दोस्तों आपको अब तक बखूबी अंदाजा हो चुका है कि फेक प्रोजेक्ट और ऑथेंटिक प्रोजेक्ट का डिफरेंस क्या है या नंद इतना पता लग गया कि कम से कम आप आगे रिप ऑफ नहीं होंगे अपना टाइम नहीं लूज करेंगे अपना पैसा नहीं लूज करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी बिड नहीं लूज करेंगे बट अब यह डिटर्मिन करना जरूरी है कि एज वी मूव अलॉन्ग टू द नेक्स्ट लेडर ऑफ बिडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन क्या है जी सवाल पूछना क्यों जरूरी है अगर छोटा बच्चा किसी बड़े के साथ बैठा हुआ हो तो वो इतने सवाल पूछ लेता है बिकॉज वो क्यूरियस होता है कि आप जब तक जवाब दे सकते हैं आप जवाब देते हैं और एक वक्त आता आप कहते हैं बस कर दे भाई कितने सवाल पूछेगा इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ एस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट डू नॉट bombard your विद with ऑफ of questions. Instead,

आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक कवर लेटर पॉपुलेट करने का और एक अपनी बिड पॉपुलेट करने का कवर लेटर में तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं बिड में आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन उतना ही पूछें जितना एम्प्लॉयर जवाब दे सकता है मिसाल के तौर पे व्हाई वी शुड एस क्वेश्चंस देखिए मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और एक प्रोजेक्ट पोस्ट हो गया एम्प्लॉयर वांट्स टू गेट अ लोगो डिजाइन फॉर देयर कॉपोरेट बिजनेस दैट्स अबाउट इट मैंने देख लिया एम्प्लॉयर अथेंटिक है उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है उसने प्रीवियसली भी फ्री को पे किया हुआ है। इसका मतलब भाई मेरी वो वरी तो खत्म होगी पैसा लेके नहीं भागेगा प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ और मैं जो जिस प्रोजेक्ट पर बेट कर रहा वो ओरिजिनल है वो ओथेंटिक है अब यह भी डिटर्मिन करना जरूरी है कि अगर उसने वन लाइनर लिखा हुआ है तो वह एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एज ए फ्रीलांसर उससे सवालत पूछेंगे बिकॉज अगर मैंने एज एन एंप्लॉयर आपसे यह कहा हजरात मुझे एक अदद लोगो चाहिए अब आप मुझसे क्या लॉजिकल सवाल पूछेंगे हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्लैप फॉर यू आप मुझसे पूछेंगे कि आपके कंपनी का नाम क्या है दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप कौन सा रंग पसंद करते हैं अपने लोगों के लिए आपको किस तरह का डिजाइन पसंद है ये तीन इंपॉर्टेंट सवालत हो गए ना अब जब आप ये सवाल पूछेंगे तो जाहिर है कि मैं आपको जवाब आप भी दूंगा तो सवाल पूछने की अहमियत इंपॉर्टेंस खातन हज़रा बहुत ज्यादा है वेन यू आस्क क्वेश्चन एम्प्लॉयर एक्चुअली गेट प्रिवलेज एंड फोर्स टू रिप्लाई यू बिकॉज वैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर बेड करते हैं और अगर आप सवाल का आंसर नहीं रखते तो एन मुमकिन है कि आपका प्रोजेक्ट ऐसे ही गुजर जाए

बैक एंड फोर्थ चलेंगे एक कुछ सवाल आप पूछेंगे कुछ जवाब वो देगा कुछ सवाल इंप्लॉयर पूछेगा उसके जवाब आप देंगे लेकिन ये तब भी होगा जब आप प्रोजेक्ट को देख के उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर मैंने बताया गुरु में क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी है अपवर्क में दो तरीके देता है एक बाय पुटिंग द कवर लेटर विच इज बेसिकली योर इंट्रोडक्शन हु यू आर योर एक्सपीरियंस द प्रोजेक्ट्स यू हैव बीन वर्किंग ऑन द इंडस्ट्रीज यू हैव वर्क विद एंड इज बिट विच एक्चुअली इज योर पोर्टफोलियो व्हाट यू वांट टू डू पर्टिकुलर प्रोजेक्ट व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन आप करना क्या चाहते हैं? हैं आप करना क्या चाहते हैं और, आप करेंगे कैसे? और उसी में आप सवाल भाई आपने लोगों तो मांग लिया हजूर यह भी बता दीजिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है यह भी बता दीजिए कि आपको किस किसान के, के रंग इंप्रेस करते हैं और हां यह भी पूछ लीजिएगा कि भाई आपको कोई प्रेफर्ड चॉइस है कि इस तरह का लगभग आपने कहीं देखा था लोगो और आपको वो पसंद आया तो आप आ, जो है वो उस तरह का लोगो बना दें मेरे साथ पर्सनली बहुत हुआ है मैं लाहौर का रहने वाला नहीं हूँ मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है एक एम्प्लॉयर उस पाकिस्तान का रिहायशी उन्होंने प्रोजेक्ट पोस्ट किया और गुरु डॉट कॉम और जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि जनाब आपको किसी किस्म का लोगो प्रेफरेंसेस हैं कोई पसंद है तो मुझे आगे से जवाब मिला हाइपर स्टार